नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अमेजॉन शॉपिंग ऐप अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो उसे कैसे करेंगे। दोस्तों, आप जब इंस्टॉल करने जाते होंगे या फिर इंस्टॉल करने के बाद वो सर्चिंग वगैरह होता होगा या फिर इंस्टॉल ही नहीं हो पा रहा होगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम होता होगा जिसके कारण आपका ये प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं हो पा रहा होगा। बस सिंपल सी बात है। तो उस प्रॉब्लम को आप ठीक कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पर आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद अब आपको ऊपर में यहाँ पे आइकन दिखेगा आपके जीमेल का, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको नीचे आएंगे तो नीचे से 2 नंबर में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 2 नंबर में दिखेगा नीचे नेटवर्क परफॉर्मेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे 3 ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस, नीचे ऑटो अपडेट्स ऐप्स एंड ऑटो प्ले वीडियो। आपको ऊपर में देखना है ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है आपको ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस, इसमें आपको नंबर 1 में दिख रहा होगा ओवर एनी नेटवर्क। यहाँ पे ये जो है ये तीनों चीज़ पहले मैं आपको बता दूंगा एक करके। ये जो है पहला ओवर एनी नेटवर्क, इसमें आपका कोई भी नेटवर्क होगा, किसी भी सिम का या फिर किसी वाईफाई का नेटवर्क होगा, जो भी आपका सिलेक्ट हुआ उससे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट होगा यहाँ पे ये अगर ओवर वाईफाई ओनली, तो आप सिर्फ किसी के वाईफाई से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं इस ऐप को या फिर किसी भी ऐप को प्ले स्टोर से। उसके बाद नीचे अगर ये सिलेक्ट कर देते हैं आप तो यहाँ पे आस्क मी एवरी टाइम आपसे बार बार पूछेगा कि कौन सा नेटवर्क आप सिलेक्ट करके डाउनलोड करना चाहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये पहला वाला ऑप्शन में ही सिलेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपका प्रॉब्लम होगा डाउनलोड करने में। तो चलिए, यहाँ से हम तो प्रॉब्लम देख लिए हैं और यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। और उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा कहीं से, अगर आपका ये भी प्रॉब्लम ठीक है यहाँ पे कि हमारा तो यही सिलेक्ट है लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए और भी ऑप्शन है जो कि हम आपको ठीक करके दिखाएँगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे देखते हैं हम अपना सेटिंग मोबाइल का, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे मोबाइल का सेटिंग है यहाँ पे, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट में। ऐप मैनेजमेंट में जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऐप लिस्ट में जाना है। ऐप लिस्ट में आ जाने के बाद ऊपर में आपको सर्च का आइकन दिखेगा, इस पर आपको सर्च के आइकन पर जाकर और यहाँ पे सर्च करना है अमेजॉन ऐप को। मेरा थोड़ा लोडिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ गया है अमेजॉन को नहीं सर्च करना है, यहाँ पे सर्च करना है हमें प्ले स्टोर को, क्योंकि अमेजॉन ऐप तो यहाँ पे डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, प्ले स्टोर को सर्च करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्ले स्टोर आ गया है, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ से आपको फोर्स स्टॉप कर लेना है। फोर्स स्टॉप करने के बाद यहाँ पे आपको इस पर आ जाना है और क्लियर कैच कर देना है। क्लियर कैच करके और आप वापस से आ जाएंगे, आप यहाँ से वापस आ जाएंगे और उसके बाद आपका प्रॉब्लम शायद ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी इसके बाद नहीं ठीक होता है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डाटा देख लेना है कि यहाँ पे आपको इस ऐप में डाटा सही से जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और देखना है कि जिस सिम में आपने रिचार्ज करवाया है क्या वही सिम सिलेक्ट है या फिर जिसमें आपने रिचार्ज नहीं करवाया है वो सिलेक्ट है। अगर आपका ये छोटा सा गलती होगा तो आपको परेशान कर देगा और आपका इंस्टॉल भी नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से हम बैक आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक बार और क्या करना है, यहाँ पे आपको फ्लाइट मोड मार लेना है, ये वाला जो आइकन दिख रहा होगा फ्लाइट मोड मार के, और आप थोड़ा देर के लिए फ्लाइट मोड मार कर छोड़ देंगे और उसके बाद फिर से इसे हटा देंगे, डिसेबल करेंगे और फिर से डाटा ऑन करके आप इसे देख सकते हैं कि ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर इसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप एक बार ये स्टार्ट कर लेंगे फ़ोन को तो आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से आप प्रॉब्लम आसानी से ठीक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।